गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह स्वस्थ मस्त होंगे। तो बच्चों, मयंक सर, अपन ने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वाला, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला चैप्टर था बच्चों, उसे कंप्लीट कर लिया था। लास्ट का जो अपना प्रीवियस 6th नंबर का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वाला लेक्चर था, उसमें अपन ने बच्चों चैप्टर के लास्ट में जो पॉइंट थे उन्हें डिटेल में डिस्कस कर लिया। और मैं जैसे आपको बोल भी रहा था, आज अपन इस लेक्चर में उस एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो NCERT है वो मैं बच्चों आपको लाइन टू लाइन रीडिंग लगवा दूंगा, और जो प्रीवियस ईयर नीट वाले एग्जाम के क्वेश्चन है वो भी आज अपन इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो आज वाला लेक्चर बच्चों फुल्ली डेडिकेट होगा किसको, NCERT रीडिंग को, प्लस प्रीवियस ईयर नीट वाले क्वेश्चंस के लिए। स्टार्ट करें, रेडी आप? चलो बच्चों, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो एनिमल्स एक्युमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, फोस्फेट, सल्फेट एटसेट्रा, इधर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और बाय अदर मींस लाइक एक्सेस इंजेशन। तो बच्चों अपनी बॉडी में ये सारे जो नाम अपने आयंस वगैरह लिखे हैं ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी का प्रोडक्ट होते हैं या एक्सेस इंजेशन, अधिक ग्रहण से, इंजेशन होता ना अंतर्ग्रहण से बच्चों बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। These substances have to be removed totally or partially. इन सबस्टेंस को या तो टोटली रिमूव करो अगर हार्मफुल ज्यादा है लाइक अमोनिया वगैरह, या इन्हें पार्शियली बॉडी से क्या करो, रिमूव लाइक वाटर, आयंस। तो बच्चों इनकी जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतने तो बॉडी में रहेंगे, बाकी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट हो जाएंगे। In this chapter, you will learn the mechanism of elimination of these substances with special emphasis on common nitrogenous waste. Ammonia, urea and uric acid are the major form of nitrogenous waste excreted by the animals. Some nitrogenous waste, इसलिए बोला बच्चों, ये सारे प्रोटीन के प्रोडक्ट होते हैं ना, प्रोटीन ब्रेकडाउन से अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से अमोनिया, अमोनिया से हमने बताया था यूरिया, सब में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। Ammonia is the most toxic form, bilkul, and require large amount of water for this elimination, whereas uric acid being the least toxic can be removed with a minimum loss of water. So maximum water required ammonia ko, to aquatic animals ammonia excrete karte hain, aur bachcho uric acid ko comparatively sabse kam water ki requirement hoti hai, aur uric acid ko hi humne kya naam diya tha, 2,6-8-trioxypurine. To dhyan ye rakhna tha ki apne andar bachcho jo यूरिक एसिड था, जो यूरिक एसिड बनता है वो प्यूरीन के ब्रेकडाउन से बनता है, प्यूरीन बोले तो एडिनिन एंड ग्वानिन। चलें आगे, The process of excreting ammonia is ammonotelism, ठीक है, many bony fishes, aquatic amphibians, aquatic insect, ध्यान रखिए aquatic आ रहा है बच्चों, are ammonotelic in nature. Ammonia as it is readily soluble is generally excreted by diffusion across body surface or through gill surfaces ammonium ion. तो fishes में gill surface से सीधा ही ammonia बाहर आ जाएगा, इसलिए बोला था बच्चों fishes में excretion में kidney का ज्यादा role नहीं होता, वो gill surface से बाहर आ गया। किडनी डू नॉट प्ले अंडरलाइन एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल, बट बच्चों इन टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन नेसेसिटी दैट प्रोडक्शन ऑफ लेजर टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो अमोनिया को तो पानी ज्यादा चाहिए, इसलिए टेरेस्ट्रियल बच्चों जो एनिमल होते हैं उनमें एक एडेप्टेशन है कि वो यूरिया और यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करे जिसमें वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होती। Conservation of water, जल संरक्षण। Mammals, many terrestrial amphibians and marine fishes mainly excrete urea and are called ureotelic. अब देखो बच्चों ये marine fishes कौन सी है? वही cartilaginous fish, ध्यान रख लेना। Fish में भी जो cartilage वाली fish होती है वो urea को ही excrete करती है, ध्यान रख लियो। काल ureotelic animals, अब mammals में वो भी याद रख लेना बच्चों, whale आ गया। वेल के बारे में पूछे तो आप क्या बताओगे? वेल मैमल्स है तो वो किसको एक्सक्रीट करेगी? यूरिया को, नॉट अमोनिया। क्लियर है? चलो, देन मैमल्स मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मैराइन फिशेज मैनली एक्सक्रीटेड यूरिया, अमोनिया प्रोड्यूस बाई मेटाबोलिज्म, ठीक है, is converted into urea in the liver of these animals and released into the blood which is filtered and excreted out by the kidney. बच्चों लीवर में बनेगा ना अमोनिया से यूरिया, और उस साइकिल को क्या बोला था? ऑर्निथिन साइकिल, क्रैप्स हैंसिलेट साइकिल, वही वाली। सम अमाउंट ऑफ यूरिया में बी रिटेन इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ दीज एनिमल टू मेंटेन ए डिजायर्ड ऑस्मोलरिटी।
कुछ एनिमल बच्चों यूरिया को मेंटेन भी रखते हैं टिश्यूज में, ताकि ओस्मोलरिटी, ओस्मोलरिटी बोले तो हाँ वही वाटर सॉल्ट बैलेंस वाला, उसे मेंटेन रखने के लिए. रेप्टाइल्स इंपॉर्टेंट, बर्ड्स, स्नेल एंड इंसेक्ट एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट विद ए मिनिमम लोस ऑफ वाटर एंड आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक. तो यूरिकोटेलिक वाले एग्जाम्पल आपको मैंने ऐसे याद करवाए थे, रिब्स से रेप्टाइल हो गया, इंसेक्ट हो गया, बर्ड्स हो गया और बच्चों लैंड स्नेल हो गए. ये चारों क्या थे? यूरिकोटेलिक, जो क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिक एसिड. नेक्स्ट बच्चों, ए सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट बोले तो जिनमें बैकबोन वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती बच्चों. दीज स्ट्रक्चर आर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म, वेयर एज वर्टिब्रेट्स हैव कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स कॉल्ड किडनी. वर्टिब्रेट में किडनी होती है. सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर आर मेंशन हियर, प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स. अंडरलाइन कर लेना, आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन प्लेटीहेलमिंथीज, प्लेनेरिया. प्लेनेरिया मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन. रोटीफर्स, सम एनालिड एंड द सिफेलोकोर्डेट. इंपॉर्टेंट बच्चों, एम्फियोक्सस. एम्फियोक्सस एक ऐसा कोर्डेट है जिनमें आपको बताई थी मैंने क्या मिलती है? फ्लेम सेल्स. इसे ब्रेंक्यूस्टोमा भी बोलते हैं. रोटीफर ये एस्केल्मेंथीज से रिलेटेड है. रोटीफर्स प्रोटोनेफ्रिडिया आर प्राइमरी कंसर्न विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन. याद कर लो, पहले लेक्चर में आपको बताया था कि बच्चों मोस्टली एनिमल्स में जो स्ट्रक्चर ऑर्गन एक्सक्रीशन में काम आती है वही ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्पफुल होती है. जैसे अपने में किडनी दोनों फंक्शंस को कंट्रोल करती है. क्लियर? नेफ्रिडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म एंड अदर एनालिड्स. नेफ्रिडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड मेंटेन ए फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस. वही मालपीजियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोच. मालपीजियन ट्यूब्यूल बच्चों, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हेल्प इन द रिमूव of nitrogenous waste and osmoregulation. Dono antennary gland or green gland perform the excretory function of crustacea like prawn, jhinga. ye in mein aa jati hai. clear? एक हाँ वो याद रख लियो, हेमिकोडेट्स के लिए बताया था मैंने. बैलेनोग्लोसस में बच्चों क्या? प्रोबोसिस ग्लैंड. ये साइड में आप जगह पड़ी है, मैं मेंशन कर सकते हो. देन आते हैं अपन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. इन ह्यूमंस द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लेडर एंड ए यूरिथ्रा. यूरेटर पेयर्ड है बट ब्लेडर एक है बच्चों. किडनीज आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ अंडरलाइन लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. तो लास्ट थोरेसिक का मतलब 12 थोरेसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच. और हमें पता है लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर, राइट किडनी थोड़ा नीचे, बिकॉज राइट साइड में कौन? लीवर. ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन एज 10 to 12, 5 to 7, ये ठीक है थिकनेस. और इसका वेट बता रखा है 120 to 170 ग्राम. टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी इज ए नॉच कॉल्ड हाइलम. ये वाली आ गई थी स्ट्रक्चर. तो इस नॉच को ही बच्चों क्या नाम दिया था? हाइलम. यहीं से यूरेटर बाहर आएगी, आर्टरी और वेन यहीं से निकलती हाइलम से. थ्रू विच यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर. इनर टू द हाइलम इज ए ब्रोड फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड द रेनल पेल्विस. आ गया था बच्चों, उसे अपन ने क्या बोला था? रेनल पेल्विस. विद प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिसेज. कैलिक्स आया था ना, ये वाला डायग्राम बताया था आपको. ये जो प्रोजेक्शंस थे इन्हें अपन ने कैलिक्स बोला था. मेजर कैलिक्स एंड माइनर कैलिक्स, कैलिसेज प्लूरल मान लो. द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज ए टफ कैप्सूल. इनसाइड द किडनी देर आर टू जोन ऑन आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला. द मेडुला इज डिवाइडेड इंटू ए फ्यू कॉनिकल मास मेडुलरी पिरामिड प्रोजेक्टिंग इंटू द कैलिसेज. ये लो सिंगुलर क्या है? कैलिक्स. अब ये डायग्राम आप देख सकते हो एनसीईआरटी में जो दे रखा है. ये लो, इसको देख लियो बच्चों. डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी बना हुआ, मैं थोड़ा सा इसमें दिखा दूं आपको, पता चल जाएगा. ब्लू कलर वाली इन्फीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा में इम्प्योर ब्लड जाएगा. ये इधर वाला जो डायग्राम दिख रहा है ये डोर्सल एरोटा रेड कलर, इसमें प्योर ब्लड है. ध्यान अपने को, अरे तो पता ही है ना एरोटा में ब्लड कैसा? प्योर. एरोटा में ब्लड प्योर होता है. और वेना के बाद जो बच्चों हैं इसमें ब्लड कैसा? इम्प्योर. ये मेडुला इनर कॉर्टेक्स आउटर, ये ब्लेडर जहां यूरिन स्टोर होगा, यूरिथ्रा ये यूरेटर, किडनी और किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड बच्चों? एड्रिनल ग्लैंड. चलें नेक्स्ट आते हैं, ये लास्ट लाइन.
कि द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एज रीनल कॉलम कॉल्ड रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। याद आ गया ना, ये वही थे बच्चों जो मेडुला वाला जो पार्ट था, क्या बताया था हमने, मेडुला का जो पार्ट कॉर्टेक्स में एम्बेडेड रहता वो तो पिरामिड था, और पिरामिड के बीच में जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट था वो रेनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, उसी की बात कर रहे हैं। ईच किडनी हैज नियरली 1 million कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रोन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। 1 million, तो दोनों में टोटल 2 million, विच आर द फंक्शनल यूनिट। ठीक है, ईच नेफ्रोन इज 2 parts, द ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस इज ए टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, कौन बनाएगा, एफरेंट आर्टेरियोल, ए फाइन ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी। बस एफरेंट आर्टेरियोल अंदर आएगी, ग्लोमेरुलस वापस बाहर जाएगी, तो एफरेंट आर्टेरियोल। क्लियर बेटा जी। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाई एन efferent arteriole, efferent का diameter ज्यादा था बच्चों, efferent का कम था। The renal tubule begins with a double walled cup-like structure, Bowman capsule, which encloses the glomerulus. Glomerulus along with Bowman capsule क्या बोला था? Malpighian body और renal corpuscles. The tubule continue further to form a highly coiled network, क्या थी? PCT, proximal convoluted tubule. ये साइड वाला डायग्राम किडनी का दिख रहा आपको, देख लो, एनसीईआरटी वाला ही है बच्चों। ये पिरामिड, रेनल कैप्सूल, पेल्विस, यूरेटर से यूरिन गया, रेनल वेन से इम्प्योर ब्लड बाहर आएगा, रेनल आर्टरी से ब्लड, प्योर ब्लड अंदर जाएगा। ठीक, चलो ठीक है। तो The tubule continue further to form a highly coiled network PCT, ये भी देख लो, ये efferent arteriole जिसका diameter ज्यादा है enter करेगी, glomerulus वापस बाहर, efferent arteriole, efferent arteriole पूरे nephron को, loop of Henle को cover करके बच्चों बना रही थी, vasa recta, peritubular capillaries सब बता रखा है, ये finally collecting duct, DCT, PCT, loop of Henle की दोनों limb, नीचे descending, ये वाली ascending, Henle's loop, U और hairpin shaped structure आई थी। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इससे पूछ लेते हैं क्वेश्चन। पीसीटी, देन ए हेयरपिन शेप्ड हेनलेज लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूबुल विच हैज ए डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यू एज अनदर हाईली कोल्ड ट्यूबुलर रीजन कॉल्ड डीसीटी। द डीसीटी इज ऑफ मैनी नेफ्रॉन ओपन इन टू स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट, मैनी ऑफ विच कन्वर्स एंड ओपन इन टू द रेनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड इन द कैलिसेस। तो आपको बच्चों बताया था ना कि जनरली कलेक्टिंग डक्ट को नेफ्रॉन का पार्ट नहीं मानते, बिकॉज एक कलेक्टिंग डक्ट में कई नेफ्रॉन की डीसीटी एंटर करती है। तो कलेक्टिंग डक्ट की नंबर आपको बताई थी लमसम 250, तो 10 लाख नेफ्रॉन के पास कलेक्टिंग डक्ट कितनी है? 250। ठीक था, तो इससे अपन वैसे नेफ्रॉन का पार्ट नहीं मानते बच्चों। द मालपीजियन कॉर्पसल्स पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन वो तो किसमें थी? इन कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी, वेयर इज द लूप ऑफ हेनले डिप्स इनटू द मेडुला। इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला, सच नेफ्रॉन आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। दो नेफ्रॉन बताए थे बच्चों, कॉर्टिकल एंड जक्स्ट्रा मेडुलरी। कॉर्टिकल तो 80 और मोर देन 80% तो कॉर्टिकल ही थे, रिमेनिंग जक्स्ट्रा मेडुलरी थे जिनमें लूप ऑफ हेनले की लेंथ ज्यादा होती है, वो वाटर कंजर्वेशन में हेल्पफुल होता है। साइड वाला डायग्राम ये एफरेंट और आर्टेरियोल में ध्यान रख लियो, इसका डायमीटर ज्यादा होगा, एफरेंट का डायमीटर कम, ये बीच में बोमन कैप्सूल। ठीक, तो इन सम ऑफ द नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग एंड रन्स डीप इन टू द मेडुला, दीज नेफ्रॉन आर कॉल्ड जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, ये 15-20% होते हैं। द एफरेंट आर्टेरियोल एमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म ए फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। बिल्कुल, एफरेंट जो आर्टेरियोल आएगी वो पूरे नेफ्रॉन को चारों तरफ से कवर कर लेगी। अब वासा रेक्टा को जिसने कवर कर रखा है बच्चों, वो सॉरी हेनले के लूप को जिसने कवर कर रखा है वो यू शेप्ड कैपिलरीज का नेटवर्क वासा रेक्टा हो गया, उसी की बात कर रहा है। माइन्यूट वेसल्स ऑफ दिस नेटवर्क रन पैरेलल टू द हेनलेज लूप फॉर्मिंग यू शेप्ड वासा रेक्टा। वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, क्यों? क्योंकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले छोटा है, शॉर्ट है, तो वहां वासा रेक्टा भी रिड्यूस्ड और एब्सेंट होगी। क्लियर है? चलियो अगले पॉइंट पे आते हैं अपन, यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन के वही 3 steps बच्चों, पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन, उस पर डिस्कस करें।
यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व थ्री मेन प्रोसेस, नेमली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन दैट टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन. The first step in urine formation is the filtration of blood, which is carried out by the glomerulus and is called glomerular filtration. Ultrafiltration भी बोलते हैं, वही है ये. On an average, underline 100 to 1200 milliliter of blood is filtered by the kidney per minute, which constitute roughly 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute. वो बता दिया था ना बच्चों, cardiac output per minute. उस 5 liter में से 1100 से 1200 ml blood किसको मिला? Kidney को, जिसे हमने बोला था renal blood flow. उसमें जो plasma वाला part था वो renal plasma flow. एक minute में जो filter आके आ गया वो GFR, glomerular filtration rate, वही की बात कर रहा है. The glomerular capillaries blood pressure cause filtration of blood through three layers, the endothelium of glomerular blood vessels, the epithelial of Bowman capsule and beech mein wo aagi thi basement membrane between these two layers. The epithelial cells of Bowman capsule called podocyte are arranged in an intricate manner so as to leave some minute space called filtration slit or slit pore. To podocyte ke beech mein jo minute pore the wahin se filtration hoga. Blood is filtered so finely through these membranes that almost all the constitute of the plasma except the protein pass onto the lumen of the Bowman capsule. Therefore, it is considered as a process of ultrafiltration. So, pura blood filter hoga, plasma filter hoga, except protein. Protein bachchon filter nahi hogi because comparatively particles kya hai? Large. To ye dhyan rakhna hai. Albumin, globulin ye jo protein part hai wo filter nahi honge. Blood cells bhi nahi hogi. Chale aage. नेक्स्ट पेज पे जीएफआर की बात कर रहा है बच्चों. द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनी पर मिनट इज कॉल्ड जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. टोटल नेफ्रॉन, टोटल 20 लाख नेफ्रॉन पर मिनट कितना फिल्ट्रेट फिल्टर करते हैं वही जीएफआर है बच्चों. जीएफआर इन ए हेल्दी इंडिविजुअल इज अप्रोक्स 125 ml 180 लीटर पर डे. ये पर मिनट की बात थी. द किडनी हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ जीएफआर. वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरिड आउट बाय ZGA, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस. याद आ गया, ZGA इज स्पेशल सेंसिटिव रीजन फॉर्म्ड बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन इन द DCT एंड एफरेंट आर्टेरियोल एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट. तो एफरेंट आर्टेरियोल में तो बच्चों कौन सी सेल आई थी? जेजी सेल. और डीसीटी में जेजीए का कौन सा पार्ट आ गया था? वो मैकुला डेंसा लिखवा रखा है आपको. क्लियर? एफॉल इन जीएफआर कैन एक्टिवेट द जेजी सेल टू रिलीज रेनिन व्हिच कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो दैरबाय द जीएफआर बैक टू नॉर्मल. तो रेनिन आएगा तो ब्लड फ्लो, ब्लड प्रेशर और वापस ये जीएफआर इंक्रीज हो गया. A comparison of the volume of the filtrate formed per day with that of the urine release suggests that nearly 99% of the filtrate has to be reabsorbed by the renal tubules. तो बच्चों पर डे कितना फिल्ट्रेट हो रहा है? 180 लीटर. यूरिन बनता है 1 से 1.5 लीटर. तो कहने का मतलब लगभग 99% जो पार्ट है, जो फिल्ट्रेट है, वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा. और उसमें भी मेनली कहाँ होगा? PCT में. चलो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन. द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म दिस ईदर बाय एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म. तो आपको बता रखा है जो बच्चों कैटायंस है वो तो एक्टिवली, और एनायन कैसे? पैसिवली अब्जॉर्ब होते हैं. For example, substances like glucose, amino acid, underlying sodium in the filtrate are reabsorbed actively, whereas the nitrogenous waste are absorbed by passive transport. High to low, passively. Reabsorption of water also occurs passively in the initial segment of the nephron. Initial segment का मतलब PCT की बात कर रहा है बच्चों. PCT में maximum water reabsorb होता है, ध्यान रखना. कुछ भी पूछे, न्यूट्रिएंट, विटामिंस, वाटर, सब मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब कहाँ? PCT. कंफ्यूज मत होना, वाटर पूछते आप लूपो फैलने पे आ जाओ, नहीं, वो सब का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन PCT में. ऑस्मोसिस अकॉर्डिंग टू वही पैसिव भी मान लेंगे. During urine formation, the tubular cells secrete substance like hydrogen, potassium, ammonia into the filtrate. तो वही आ गया बच्चों, नेफ्रॉन से ब्लड वेसल्स में जाना सिक्रीशन है, ब्लड से नेफ्रॉन में आना, याद करो, नेफ्रॉन से ब्लड में जाना एब्जॉर्प्शन, ब्लड से नेफ्रॉन में आना सिक्रीशन. बिल्कुल. ट्यूबुलर सिक्रेशन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन एज इट हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ अंडरलाइन आयनिक एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड. तो एक्स्ट्रा अगर H+ पोटेशियम है तो उन्हें यूरिन के साथ बाहर निकाल दो ताकि बॉडी में आयंस का क्या बना रहे? बैलेंस बना रहे. देन फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स, इसमें बच्चों वो PCT, DCT, लूपो फैलने के क्या क्या फंक्शन है उस पर आते हैं अपन. सबसे पहले PCT,
तो पीसीटी इज लाइन बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये मैंने आपको बता दिए थे टिश्यू के रेफरेंस में। क्या पीसीटी डीसीटी, इनमें तो कौन सा आ गया था, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, बोमन कैप्सूल और हेलने लूप की जो डिसेंडिंग लिम्ब है इनमें सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। और पीसीटी में बच्चों माइक्रोविलाई थे जो सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे, माइक्रोविलाई है तो कौन सी बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर, जिससे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होगा, क्लियर। The surface area for reabsorption, nearly all of essential nutrient and 70 to 80% of electrolyte and water are reabsorbed by this segment. PCT also help to maintain the pH and ionic balance of the body fluid by selective secretion of hydrogen, ammonia, potassium. तो PCT, DCT में secretion भी होता है बच्चों। अगला Henle's loop, reabsorption is minimum in its ascending limb. ये ध्यान रखना, नहीं है NCERT में बच्चों, reabsorption minimum किस में बता रखा है, इसकी ascending limb में, ठीक है। पुरानी एनसीईआरटी में हेनले के लूप में ही बता रखा है। हेनले लूप में भी मिनिमम कहां होगा, असेंडिंग, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन पूछे तो पीसीटी है ही है। हाउएवर दिस रीजन प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टीशियल फ्लूइड, वही काउंटर करंट पढ़ लेंगे अगला पॉइंट। द डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इंपरमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, डिसेंडिंग वाटर के लिए परमिएबल है बच्चों, ये क्वेश्चन बना हुआ है यहां से। दिस कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट मूव डाउन, तो फिल्ट्रेट जैसे जैसे नीचे आएगा वो कंसंट्रेट होगा बिकॉज पानी एब्जॉर्ब हो रहा है। द असेंडिंग लिंब इज इंपरमिएबल टू वाटर बट अलो ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली और पैसिवली, तो कैटायन है तो एक्टिवली, एनायन है तो पैसिवली। देयरफॉर एज द कंसंट्रेट फिल्ट्रेट पास अपवर्ड इट गेट डाइल्यूट ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द मेडुलरी फ्लूइड, तो फिल्ट्रेट नीचे आएगा तो कंसंट्रेट होगा, ऊपर जाएगा तो फिर से डाइल्यूट होगा। ये काउंटर करंट में और अच्छे से अपन समझ लेंगे बच्चों। Then DCT, conditional reabsorption of sodium and water, conditional याद आ गया ना, DCT में hormonal, अगर body में water की deficiency है तो DCT water absorb करेगी, ions की deficiency है तो DCT ion absorb करेगी, condition पर depend करता है, body की condition पर, तो ADH आएगा तो water, aldosterone आएगा तो ions, ध्यान अपने को। DCT is also capable of reabsorption of bicarbonate, selectively secretion of hydrogen, potassium, मेंटेन पीएच, और ये बस बैलेंस पीएच को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट की बच्चों, ये वाला डायग्राम भी देख लो, ये लो, तो देख लो पीसीटी में ये सब रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, ये सिक्रीट हो रहे हैं, तो ब्लड से आ रहा है तो सिक्रीशन, बाहर आ रहा है तो रीअब्जॉर्प्शन। डिसेंडिंग लिम्ब में वॉटर आ रहा है, असेंडिंग लिम्ब में ये देख लो थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, ये आ गया थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, तो इसमें आयंस, और ये लो डीसीटी में। फिर कलेक्टिंग डक्ट में याद आ गया, थोड़ा बहुत यूरिया भी एब्जॉर्ब करते हैं अपन मेडुलरी फ्लूड की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन रखने के लिए। फिर वो यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से जो आ रहा है ना, वो ये ध्यान रख लेना असेंडिंग लिम्ब के थिन सेगमेंट में जाएगा बच्चों, यहां से फिर यूरिन के थ्रू बाहर, ये भी इंपॉर्टेंट डायग्राम। देन कलेक्टिंग डक्ट की बात करते हैं, दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेडुला, आ गया ध्यान, कॉर्टेक्स से किधर आएगी, मेडुला के अंदर तक आएगी। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस ए कंसंट्रेट यूरिन, दिस सेगमेंट एलो पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टीशियम टू कीप अप द ऑस्मोलरिटी, यूरिया वाला ध्यान रख लियो। इट ऑल्सो प्ले रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ वही पीएच आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने में इसका भी रोल है। अगला मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, यही काउंटर करंट वाला पैरा आ रहा है, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, कैसे उस फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करेंगे। हमें पता है यूरिन बच्चों इनिशियल फिल्ट्रेट का 4 times क्या होगा, कंसंट्रेट, वही मैकेनिज्म। तो मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए कंसंट्रेट यूरिन, अपने में एबिलिटी है, हम कंसंट्रेट यूरिन बना सकते हैं ताकि वाटर का लॉस मिनिमम हो। द हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन दिस, वही काउंटर करंट, पैरेलल ट्यूब, अपोजिट डिरेक्शन में फ्लूइड फ्लो। The flow of filtrate in the two limbs of Henle's loop is in opposite direction and thus form a counter current. Clear है ना? Ascending limb में ऊपर जाएगा, descending में नीचे आएगा, opposite direction हो गया बच्चों। The flow of blood through the two limbs of vasa recta is also in a counter current pattern. तो blood flow भी vasa recta में opposite होगा, वही ascending और descending. The proximity between the Henle's loop and vasa recta as well as the counter current in them help in maintaining and increasing osmolarity towards the inner medullary interstitial.
ECM from 300 in the cortex to about 1200 in the inner medulla. ये unit is की milliosmol per liter. तो याद आ गया ना, cortex और medulla. मेडुला में आउटर इनर मेडुला थे. अब कोर्टेक्स से बच्चों जैसे जैसे नीचे आएंगे, यहां ऑस्मोलरिटी आपको याद रखनी थी 300 और मेडुला के इनर तक आते आते वो कितनी हो रही थी 1200, वो बिल्कुल उसके बेस पर. तो कितने टाइम्स इंक्रीज हो रही थी, 4 times. तो ये तो था फ्रॉम 300 इन द कोर्टेक्स टू अबाउट 1200 इन द इनर मेडुला. क्लियर. This gradient is mainly caused by underlying NaCl and urea. NaCl तो वायर है, एब्जॉर्ब हो रहा है ना DCT और से, यूरिया वो कलेक्टिंग डक्ट वाला. NaCl is transported by the ascending limb of Henle's loop which is extends with the descending limb of vasa recta. Clear? कि भाई Henle loop की ascending limb से जो NaCl आएगा उसे फिर कौन ले लेगी, vasa recta की कौन सी limb, descending. तो Henle loop की ascending के पास vasa recta की descending होती है ना बच्चों, तभी तो counter current बनता है. ये हमने वो डायग्राम बताया था, उस CGV में देख लेना. ठीक है. NaCl is returned to the interstitium by the ascending portion of vasa recta. Extra NaCl फिर बाहर आ गया. Similarly, small amount of urea enter the thin segment of ascending limb of Henle's loop which is transported back to the interstitium by the collecting tubule. The above described transport of substance facilitated by the special arrangement of Henle's loop and vasa recta is called the counter current mechanism. Clear. इसमें अपने वाले notes वाला जो lecture है उसका भी देख लियो आप. This mechanism help to maintain a concentration gradient in the medullary interstitium. Presence of such interstitial gradient help in a easy passage of water from the collecting tubule, thereby concentrating the filtrate. तो ज्यादा ज्यादा water absorb होगा उतना ही filtrate concentrate होगा. Human kidneys underlying बच्चों can produce urine nearly 4 times concentrate than the initial filtrate form. तो initial filtrate के compare अपनी kidney 4 times more concentrate क्या produce कर सकती है, urine. अब ये जो diagram है ना पीछे वाला, ये बच्चों काउंटर करंट वाला ही है, देख लो आप. अब इसमें एनसीईआरटी में तो देखो ये Henle का लूप और वासा रेक्टा अलग अलग दिखा दी बच्चों. अपन ने जो डायग्राम बताया था उसमें Henle लूप के चारों ओर ही अपन ने क्या बना दी थी, वासा रेक्टा. तो कोई दिक्कत नहीं है. Henle लूप की बच्चों देख लो, डिसेंडिंग में जैसे जैसे नीचे आएगा कंसंट्रेशन बढ़ेगी, बढ़कर वो कितनी होगी 1200. असेंडिंग में जब ऊपर जाएगा तो फिर कंसंट्रेशन डिक्रीज होती रहेगी, 300 तक आ गई. यही वासा रेक्टा में है, वासा रेक्टा में जब ब्लड नीचे आएगा तो वही कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ऊपर जाएगा तो फिर से कम हो जाएगी. तो आप तो दो ही वैल्यू याद रख लेना, 300 टू 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर. ऑस्मोल पर लीटर इसकी क्या है, यूनिट है. चलो, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन. रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन कैसे किडनी फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, यूरिन फॉर्मेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं, उसका पैराग्राफ है. द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी इज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ इन्वॉल्विंग द हाइपोथैलेमस, ZZA एंड ए सर्टेन एक्सटेंड द हार्ट. हार्ट से वो ANF आ जाएगा ना, हाइपोथैलेमस से तो ADH वाला है. अगर बॉडी में वाटर कम है, वाटर की डेफिशिएंसी है, तो बच्चों ADH आएगा जो यूरिन से वाटर एब्जॉर्ब करेगा फिल्ट्रेट से. अगर पानी बॉडी में ज़्यादा है तो ADH का सिक्रीशन कम होगा, बस वैसोप्रेशन वाला ही है. ऑस्मोरिसेप्टर इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाई चेंजेस इन ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूड वॉल्यूम एंड आयनिक कंसेंट्रेशन. एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दीज रिसेप्टर विच स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस. एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूड फ्रॉम द बॉडी, अगर बॉडी से फ्लूड का ज्यादा लॉस हो जाए, बॉडी में वॉटर की डेफिशियंसी हो, तब ऑस्मोरिसेप्टर एक्टिवेट होकर हाइपोथैलेमस को बोलेंगे क्या, टू रिलीज ADH और वैसोप्रेसिन फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस. हाइपोथैलेमस बनाता है फिर वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी. पोस्टीरियर पिट्यूटरी का नाम है बच्चों न्यूरोहाइपोफाइसिस. ADH फैसिलिटेट वाटर रीअब्सॉर्प्शन फ्रॉम लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल, देयर बाय प्रिवेंटिंग डायूरेसिस. तो जितना ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा उतना ही यूरिन में पानी कम होगा, उतना ही वॉल्यूम ऑफ यूरिन कम होगा. तो वॉल्यूम ऑफ यूरिन बढ़ना डायूरेसिस, तो ये डायूरेसिस को कम कर देगा, वाटर लॉस कम कर देगा. एन इंक्रीज इन बॉडी फ्लूड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द ऑस्मोरिसेप्टर एंड सप्रेस द ADH रिलीज टू कंप्लीट द फीडबैक. बॉडी में पानी ज्यादा है तो ADH का सिक्रेशन कम होगा, बस. ADH can also affect the kidney function by its constrictory effect on blood vessels. ये भी बताया था बच्चों, ADH blood vessels को contract करेगा, contract करने से blood vessels का volume कम तो pressure बढ़ेगा. This causes an increase in blood pressure. An increase in blood pressure can increase the glomerular blood flow and thereby the GFR. Blood flow बढ़ेगा, BP बढ़ेगा तो GFR भी बढ़ेगी.
नेक्स्ट कोई जेजीए वाला इंपॉर्टेंट पर आ गया. द जेजीए प्ले कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल. ए फॉल इन जीएफआर कैन एक्टिवेट द जेजी सेल टू रिलीज रेनिन विच कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन इन ब्लड टू एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड फर्दर टू एंजियोटेंसिन सेकेंड. ठीक है, रेनिन बच्चों सिंगल एन वाला ये, और एंजियोटेंसिनोजन कहां से आ रहा था, लीवर से. पहले वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू सेकंड. फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट करने वाला कौन था, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो लंग्स से आता है. ठीक है, बींग ए पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर देयर बाय जीएफआर एंजियोटेंसिन सेकंड ऑल्सो एक्टिवेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन. एल्डोस्टेरोन कॉज रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम डीसीटी डिस्टल पार्ट ऑफ ट्रिब्यूल. दिस ऑल्सो लीड्स टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर. दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज जनरली नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म. और वैसे पूरा नाम बताया था, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम. अब हार्ट वाला भी बच्चों, एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द एट्रिया ऑफ द हार्ट कैन कॉज द रिलीज ऑफ एएनएफ एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर. ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है इससे भी. एएनएफ कैन कॉज वैसोडाइलेशन, ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा एंड देयर बाय डिक्रीज द ब्लड प्रेशर. एएनएफ मैकेनिज्म देयरफॉर एक्ट एज चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म. तो रेनिन एंजियोटेंसिन तो बीपी बढ़ाते हैं. एएनएफ एक ऐसा पेप्टाइड हार्मोन है जो एट्रिया ऑफ हार्ट, हार्ट के एट्रिया से रिलीज होता है और वो ब्लड प्रेशर को कम करता है. कैसे, ब्लड वेसल्स को डायलेट करके. क्लियर है बच्चों. चलो अगला पैराग्राफ, मैच्यूरेशन, डिस्चार्ज ऑफ यूरिन. यूरिन डिस्चार्ज को क्या बोलो, मैच्यूरेशन. तो यूरिन फॉर्म्ड बाय नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरिड टू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड टिल ए वॉलंटरी सिग्नल इज गिवन बाय द सीएनएस. वॉलंटरी सिग्नल सीएनएस से आएगा तब मैच्यूरेशन होगा. दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एज इट गेट्स फिल्ड विद यूरिन. वो स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे फिर सिग्नल ट्रांसफर करेंगे. इन रेस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल ऑफ द ब्लैडर सेंड सिग्नल टू द सीएनएस. द सीएनएस पास ऑन मोटर मैसेज. तो सिग्नल लेके सेंसरी जाएगी, वापस कौन लाएगी बच्चों, मोटर न्यूरॉन. To initiate the concentration of smooth muscles of the bladder and simultaneously relaxation of the urethral sphincter causing the release of urine. तो bladder में muscles कौन सी बताई थी, detrusor muscle. ठीक है, तो आपको बताना जब bladder contract होगा तो sphincter relax होगी, बता रखी है चीजें. The process of release of urine is called micturition and the neural mechanism causing it is called micturition reflex. न्यूरल सिग्नल का जाना और आना वो मैच्यूरेशन रिफ्लेक्स हो गया. एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट ऑन एन एवरेज 1 टू 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे. द यूरिन फॉर्म इज लाइट येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड व्हिच इज स्लाइटली एसिडिक. ये भी पूछा हो बच्चों, 6.0 यूरिन की पीएच एसिडिक होती है. क्यों, क्योंकि जब यूरिन बन रहा होता है तो उसमें सिक्रीशन ब्लड से क्या सिक्रीट हो जाते हैं, एच प्लस आयन, कैटायन, कैटायन से मीडियम कैसा एसिडिक. And is a characteristic odor. On an average 25 to 30 gram of urea is excreted out per day. Various condition can affect the characteristics of urine. अलग अलग condition doctor urine disease का पता लगाता, diagnose करता है blood test urine test से. देखियो, एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मैनी मेटाबोलिक डिसऑर्डर एज वेल एज मॉल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी. फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज. बच्चों स्टार लगा लियो, इंपॉर्टेंट है डायबिटीज वाला. अगर यूरिन में ग्लूकोज आया तो ग्लाइकोसूरिया. कीटोन बॉडीज आई तो आपको बताया था कीटोन यूरिया इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलिटस. डायबिटीज मेलिटस बोले तो शुगर. क्लियर. नेक्स्ट, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन. ये वो लंग्स की बात करेगा, CO2H2 रिलीज करता है. लीवर, इनका क्या रोल है. तो अदर देन किडनी, लंग्स, लीवर, स्किन ऑल्सो हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट. अवर लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 अप्रोक्स 200 ml. नई एनसीईआरटी में बच्चों ये करेक्शन, पुरानी में तो 18 liter कुछ बता रखा है. And also significant quantities of water. Liver, the largest gland in our body, secrete bile containing substance like bilirubin, biliverdin, cholesterol, degraded steroid hormone, vitamins and drug. Bilirubin, biliverdin, वो बाइल पिगमेंट हो गए. मोस्ट ऑफ दीज सबस्टेंस अल्टीमेटली पास आउट अलोंग डाइजेस्टिव वेस्ट. ठीक है, फिसेज के थ्रू बाहर जाएगा. द स्वेट एंड सीबेशियस ग्लैंड इन द स्किन कैन एलिमिनेट सर्टेन सबस्टेंस थ्रू देयर सिक्रीशन. स्वेट प्रोड्यूस बाई द स्वेट ग्लैंड इज ए वाटरी फ्लूड कंटेनिंग NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड.
Though the primary function of sweat is to facilitate cooling effect on the body surface, it also help in the removal of some of the waste matter mentioned above. तो मेन तो बच्चों स्वेट पसीने का फंक्शन क्या बताया था? थर्मल टेम्परेचर कंट्रोल, कूलिंग इफेक्ट. बट ये इन वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करने में भी हेल्पफुल होता है. सेकेंडरी रोल है इनका. Sebaceous gland, oil gland, वही eliminate certain substance like sterol, hydrocarbon and wax through sebum. This secretion provide a protective oily covering for the skin. Do you know the small amount of nitrogenous waste could be eliminated through saliva too? बताते हैं बच्चों, थोड़ा बहुत यूरिया saliva से भी excrete होता है. Clear? चलो. Disorder of the excretory system. इसके डिसऑर्डर पे आते हैं. माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड. ए कंडीशन इज कॉल्ड यूरेमिया. बताया था बच्चों, ज्यादा यूरिया अगर स्टोर हो गया तो कंडीशन यूरेमिया कहलाती है. विच इज हाईली हार्मफुल एंड मैन मे लीड टू किडनी फेल्योर. इन सच पेशेंट यूरिया कैन बी रिमूव बाई ए प्रोसेस कॉल्ड, क्या बोला था? हीमोडायलाइसिस. डायलाइजिंग यूनिट की बात की थी अपन ने, डायलाइजिंग फ्लूइड बताया था वही. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलाइसिस द ब्लड ड्रेन फ्रॉम ए कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू अ डायलाइजिंग यूनिट कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी. ठीक है, आर्टरी से ब्लड निकाला, उसमें पहले एंटीकोगुलेंट मिलाएंगे ताकि ब्लड क्लोट ना हो. पूरी प्रोसेस बता दी मैंने लास्ट लेक्चर में, देख लेना, सिक्स लेक्चर एक्सक्रीटरी वाला. ब्लड ड्रेन फ्रॉम ए कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू अ डायलाइजिंग यूनिट आफ्टर एडिंग एन एंटीकोगुलेंट लाइक हिपेरिन. पहले ये मिला देंगे क्योंकि ब्लड बाहर आती है बच्चों, जम जाता है, क्लोट हो जाता है. द यूनिट कंटेन्स ए कोल्ड सेलोफाइन ट्यूब सराउंडेड बाई फ्लूड. वो फ्लूड कौन सा था? डायलाइजिंग फ्लूड हैविंग द सेम, ये अंडरलाइन कर लेना, हैविंग द सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजिनस वेस्ट. तो उस डायलाइजिंग फ्लूड में प्लाज्मा के जैसा ही कंपोजिशन है, बस बच्चों उसमें एक्सक्रीटरी नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं होंगे. वेस्ट है ब्लड में, तो ब्लड से वो नाइट्रोजिनस वेस्ट हाई टू लो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग बाहर आ जाएंगे. द पोरस सेलोफोन मेम्ब्रेन आउट ऑफ द ट्यूब अलाउ द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट. वही हाई टू लो. As nitrogenous waste are absent in the dialyzing fluid, these substances freely move out, thereby clearing the blood. The cleared blood is pumped back to the body through a vein after adding antiheparin to it. Clear. This method is a boon for thousands of uremic patients all over the world. फिर भी अगर बच्चों दोनों किडनी काम नहीं करे तो फाइनली हमने क्या बताया था? ट्रांसप्लांटेशन, उसकी लाइन है. किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेल्योर. ए फंक्शनिंग किडनी इज यूज्ड इन ट्रांसप्लांटेशन फॉर अ डोनर प्रेफरली ए क्लोज रिलेटिव टू मिनिमाइज द चांस ऑफ रिजेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट. जितना ज्यादा क्लोज रिलेटिव होगा उतना ही ट्रांसप्लांटेशन की सक्सेस के चांस बढ़ जाएंगे. मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर हैव इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सच ए कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक. और मैंने बता भी दिया था, वो क्वेश्चन भी पूछा हुआ है दो बार, कौन सी सेल रिजेक्ट करती है बच्चों ट्रांसप्लांट ऑर्गन को? टी सेल. टी सेल से इम्यूनिटी कौन सी? CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. क्लियर है अपने बात. रेनल कैलकुलाई, वो स्टोन आ गई, स्टोन और इनसोल्यूबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज साल्ट ऑक्सलेट फॉर्म्ड विद इन द किडनी. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी. इटिस लग गया तो बच्चों स्वेलिंग आ गई ना, इन्फ्लामेशन हो गया. समरी, समरी भी आपको रीडिंग लगानी, मैं बार बार कहता हूँ कुछ नहीं छोड़ना है, समरी भी रीडिंग लगा लियो. इसमें तो वैसे वही सब है बट फिर भी आप एक बार बच्चों रीडिंग समरी की लगा लेना. वो 125 ml वाला काउंटर करंट वाला. अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं टिक लगा देता हूँ कुछ क्वेश्चन जो अच्छे हैं वो आप देख लियो बच्चों. जैसे एक तो ये वाला थर्ड क्वेश्चन का टिक लगा लियो, एनसीईआरटी के करने ही करने. इस बार देखा भी होगा आपने, मेज द कॉलम के कई क्वेश्चन आए थे, एनसीईआरटी बेस्ट पूछ लेते हैं बच्चों. इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. बताओ, मैच्यूरेशन इज कैरिड आउट बाई ए रिफ्लेक्स. ट्रू है, रिफ्लेक्स तो होता ही ना, इट्स कॉल्ड मैच्यूरेशन रिफ्लेक्स, न्यूरल रिफ्लेक्स. ट्रू. ADH हेल्प इन वाटर एलिमिनेशन मेकिंग द यूरिन हाइपोटोनिक. ADH वाटर को एलिमिनेट करवाएगा कि एब्जॉर्ब करवाएगा? एब्जॉर्ब करवाएगा, तो बच्चों फॉल्स हो गया. प्रोटीन फ्री फ्लूड इज फिल्टर्ड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा इन टू द बोमन कैप्सूल. ट्रू. फिल्टर होगा, फिल्ट्रेट, तो उसमें प्रोटीन फिल्ट्रेट नहीं होगी, लार्ज पार्टिकल्स है. हैनलेस लूप प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंसेंट्रेशन द यूरिन. ट्रू. काउंटर करंट में इसका रोल है. ग्लूकोज इज एक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड इन द PCT. ट्रू. ग्लूकोज कैटायन एक्टिवली रीअब्सॉर्ब होते हैं जिसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, खर्च होती है. नेक्स्ट, सेवंथ क्वेश्चन भी कर सकते हो. मेज द कॉलम है, अमोनोटेलिज्म. अमोनोटेलिज्म बच्चों बोनी फिश थी, ऑस्टिक थीज.
Bowman capsule. Bowman capsule is part of renal tubules. Maturation. Maturation में क्या होगा? Urinary bladder. वहां से urine discharge होगा. Uricotelism. Uricotelism buds. ADH क्या करता है? Water को reabsorb. Clear. चलो आगे. 11th 12th दोनों ही अच्छे हैं, इनको भी टिक लगा लो, करवा देता हूं. नेम द फॉलोइंग. ए कॉर्डेट एनिमल हैविंग फ्लेम सेल्स एज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर. इसमें थोड़ा सा करेक्शन है बच्चों, कॉर्डेट नहीं है यहां, ये वर्टिब्रेट सही रहेगा. नहीं ठीक है, उसमें गड़बड़े. कॉर्डेट एनिमल हैविंग फ्लेम सेल्स एज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर. तो ऐसा कॉर्डेट जिसमें फ्लेम सेल होती है. अब देखो फ्लेम सेल देखते हैं, प्लेटी हेलमिंथीज मत कर देना. कॉर्डेट पूछा ना तो एम्फियोक्सस, बस इंपॉर्टेंट इसीलिए बनता है. एक ऐसा एम्फियोक्सस कॉर्डेट है जिसमें फ्लेम सेल्स होती है. कॉर्टिकल पोर्शन प्रोजेक्टिंग बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड इन द ह्यूमन किडनी. कॉर्टिकल पोर्शन वो रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी हो गया. ए लूप ऑफ कैपिलरी रनिंग पैरेलल टू द हेनलेज लूप, वो क्या था? वासा रेक्टा. Ascending limb of Henle's loop is ascending limb impermeable to water, whereas the descending limb is permeable to water. Reabsorption of water from DCT distal part of tubule facilitated by कौन सा hormone? ADH. Dialysis fluid contain all the constituent as in plasma except nitrogenous waste. A healthy adult human excrete 25 to 30 gram urea per day. क्लियर. तो ये बच्चों अपन ने एनसीईआरटी ग्रेडिंग लगाई. अब प्रीवियस ईयर एग्जाम वाले क्वेश्चन में आपको सॉल्व करवाया बच्चों. अब अपन इससे कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम वाले क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम से कनेक्टेड. चलो बोर्ड पे आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है. ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक बिकॉज, बता रहा था ह्यूमन यूरिन सामान्यतः एसिडिक होता है, अम्लीय होता है. क्यों? AIPMD 2015 का क्वेश्चन वो बता रहा था बच्चों. यूरिन में क्या सिक्रीट होगा? हाइड्रोजन H+ आयन. एक्सक्रीटेड प्लाज्मा प्रोटीन आर एसिडिक, गलत. पोटेशियम एंड सोडियम एक्सचेंज जनरली एसिडिक. पोटेशियम सोडियम विनिमय में अम्लता पैदा हो जाती है, वो तो हेनले लूप से एक्सचेंज होता है. हाइड्रोजन आयन आर एक्टिवली सिक्रेटेड इनटू फिल्ट्रेट. तो हाइड्रोजन आयन वाला आ गया कि जब हाइड्रोजन आयन बच्चों फिल्ट्रेट में आएंगे तो मीडियम कैसा बना देंगे? एसिडिक. अब एक्टिवली क्यों, ये समझ गए क्या? बिकॉज हाइड्रोजन बच्चों कैटायन है, और कैटायन कैसा? एक्टिवली. तो आंसर गया थर्ड. क्लियर. अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है बच्चों. इन मैमल्स विच ब्लड वेसल्स वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया. मैमल्स में किसमें सबसे ज्यादा यूरिया होता है? तो ये याद कर लो ये आपको. जो बच्चों यूरिया लीवर में बना था, लीवर में अमोनिया से क्या बना था? यूरिया. वहां मैंने बताया था ऑर्निथिन साइकिल से. फिर ये यूरिया वहां से ट्रांसपोर्ट होकर कहां तक आएगा? किडनी तक. फिर यहां से वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होगा. ये कह रहा है कि मैक्सिमम वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया. सबसे ज्यादा यूरिया किसमें होगा? तो देख लो, लीवर में तो यूरिया अमोनिया से यूरिया बना, तो अब लीवर से यूरिया बच्चों बाहर आएगा. तो अपने को पता ना किसी भी ऑर्गन में एंटर तो कौन करती है? आर्टरी. तो लीवर में एंटर करेगी वो तो बच्चों क्या है? हेपेटिक आर्टरी. और जो लीवर से बाहर आएगी उसको क्या बोल दो? हेपेटिक वेन. तो यूरिया ज्यादा किसमें होगा? हेपेटिक वेन में होगा. और अगर ऐसे आ जाए अमोनिया सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो बच्चों देखो, हर बॉडी की सेल्स ऑर्गन से जो अमोनिया बना वो फाइनली हमें किसे देना है? लीवर को. जिससे लीवर अमोनिया से क्या बना सके? यूरिया. तो जो लीवर में आएगी वो कौन? हेपेटिक आर्टरी. तो ध्यान रखना, मैक्सिमम अमोनिया आपसे पूछ ले तो आपका आंसर क्या जाएगा? हेपेटिक आर्टरी. मिनिमम मैक्सिमम यूरिया पूछ ले तो अपना आंसर जाएगा हेपेटिक वेन. तो इसने यहां यूरिया की बात की है, तो आपका आंसर फोर्थ हो जाएगा, हेपेटिक वेन. क्लियर. चलें आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम. सोडियम का एक्टिवली, सोडियम है तो एक्टिव ही होगा, कैटायन है तो एक्टिव होगा. और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम कहाँ? अब देखो बच्चों, डीसीटी भी है, पीसीटी भी है, दोनों ऑप्शन है. तो सोडियम दोनों जगह एब्जॉर्ब होता है, बट एक आंसर देना हो तो मैक्सिमम कहाँ से एब्जॉर्ब होगा? पीसीटी से. कोई भी चीज हो, वाटर, आयंस, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, सब मैक्सिमम कहाँ से? पीसीटी. तो एक आंसर देना हो तो बेस्ट अपना पीसीटी रहेगा. अगला क्वेश्चन. ए डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ. अगर बीपी कम हो
ब्लड प्रेशर अगर कम हो तो इनमें से कौन रिलीज नहीं होगा? मान लो बच्चों बॉडी में बीपी कम है, तो बीपी कम है तो ऐसे केमिकल हार्मोन रिलीज होंगे ना जो वापस बीपी को बढ़ा सकें, नॉर्मल कर सकें। या मान लो किसी में बीपी ज़्यादा हो रहा है, तब ऐसा केमिकल आएगा जो बीपी को वापस कम कर सके, बैलेंस कर सके। तो ये कह रहा है कि पहले से बीपी कम है तो क्या रिलीज नहीं होगा? देख लो, ये रहा ANF, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। ANF तो बीपी को क्या करता है? लो करता है, कम करता है। तो पहले से बीपी कम है तो अब ANF का सिक्रीशन नहीं होगा, बिकॉज ये ब्लड प्रेशर को और कम कर सकता है। क्लियर है बच्चों? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा कथन सही है? द असेंडिंग लिंब ऑफ लूपोफेनले इज परमिएबल टू वॉटर। असेंडिंग लिंब, ये रही लूपोफेनले, ये बच्चों डिसेंडिंग है, ये असेंडिंग। डिसेंडिंग परमिएबल फॉर वॉटर, असेंडिंग परमिएबल फॉर आयंस। तो पहला तो गलत हो गया ना, असेंडिंग थोड़ी परमिएबल होगी। डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूपोफेनले इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, गलत। डिसेंडिंग तो वॉटर के लिए परमिएबल होगी। असेंडिंग लिंब ऑफ लूपोफेनले इज इम्परमिएबल टू वॉटर, असेंडिंग वॉटर के लिए अपारगम में है, बिल्कुल इम्परमिएबल है। डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूपोफेनले इज इम्परमिएबल टू वॉटर, गलत हो गया ना। तो करेक्ट आ गया थर्ड, सीधा ही आ गया हेनले लूप से क्वेश्चन। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी से ही है बच्चों, डिसऑर्डर देके पूछ लिया आपसे। ग्लाइकोसूरिया, यूरिन के साथ ग्लूकोज, तो ग्लाइकोसूरिया कहाँ मिलाओगे? ये रहा प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, यूरिन में ग्लूकोज की प्रेजेंस। गाउट, गठिया, गाउट में बच्चों क्या बताया था आपको? डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड, लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में बता रखा था। ये रहा एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट, गठिया। रीनल कैलकुलाई, वही स्टोन, मास ऑफ स्टेलाइज साल्ट विद इन द किडनी। और ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस क्या गया? इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई, ग्लोमेरुलस में स्वेलिंग को बोल दो ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, इमेज कर लियो। एक और मेज द कॉलम का क्वेश्चन है, सीधा सही हो जाएगा, मेज द कॉलम कर लो। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में बच्चों कौन सा पार्ट? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देख लो, ये रहा मैलपीजियन कार्पसल्स, बोमन कैप्सूल में ही तो होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल को मैलपीजियन कार्पसल्स बोलते हो। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, यूरिन को कंसंट्रेट करने में मेन रोल हेनले का लूप, वही वासर एक्टर हेनले का लूप, कंसंट्रेट काउंटर करंट। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, यूरिन को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? यूरेटर करेगा, मूत्रवाहिनी, वो किडनी से यूरिन कहाँ ले आएगा? यूरिनरी ब्लेडर तक ले आएगा। स्टोरेज ऑफ यूरिन, यूरिन को स्टोर कौन करता है? यूरिनरी ब्लेडर, बस ब्लेडर करेगा, मूत्राशय। क्लियर, मिला लियो, चेक कर लियो। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसेंट्रेट यूरिन, सांद्रित यूरिन बनाने में निम्न में से कौन सा कारक रेस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है? तो सिक्रेशन ऑफ एरिथ्रोपोएटिन बाय जेजी सेल, बच्चों एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन तो आरबीसी बनाने में रोल प्ले करता है, यूरिन कंसेंट्रेशन में रोल नहीं होगा। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से वो फिल्टर होगा, कंसंट्रेशन में रोल नहीं है। लो लेवल ऑफ ADH, ADH कम होगा तो देख लो, ADH, अगर ADH ज्यादा रिलीज हुआ तो बच्चों क्या होगा? फिल्ट्रेट से वाटर एब्जॉर्ब होगा और यूरिन कैसा बनेगा? कंसंट्रेट बनेगा। और अगर ADH का सिक्रीशन कम है, ADH का सिक्रीशन कम है तो वाटर एब्जॉर्प्शन भी, वाटरी एब्जॉर्प्शन भी बच्चों क्या होगा? कम। वाटरी एब्जॉर्प्शन कम होगा तो यूरिन में वाटर ज्यादा, और ऐसा यूरिन कैसा होगा? डाइल्यूट होगा। तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेट यूरिन, कौन सा कारक कंसंट्रेट यूरिन बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कंसंट्रेट यूरिन बनाने के लिए? तो ADH ज्यादा सिक्रीट होगा तभी तो वाटरी एब्जॉर्ब ज्यादा होगा बच्चों, वाटरी एब्जॉर्ब ज्यादा होगा तब यूरिन कंसंट्रेट होगा, ठीक है। और यहां तो क्या कर रखा है, लो लेवल ऑफ ADH, तो ADH का लेवल लो होगा तब तो यूरिन डाइल्यूट बनेगा ना कि कंसंट्रेट, गलत हो गया। मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलरिटी टुवार्ड्स इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनी, बिल्कुल, जब आप कॉर्टेक्स से इनर मेडुला की ओर जाओगे तो ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की, 200-1200, उसी से फाइनली यूरिन कैसा होगा? कंसंट्रेट। क्लियर, काउंटर करंट यूरिन को 4 times कंसंट्रेट तो कर रहा था। यूज ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन, एक अच्छा क्वेश्चन आया था नीट 29 में,
2019 में। आर्टिफिशियल किडनी के यूज हीमोडायलिसिस में अपन बच्चों आर्टिफिशियल किडनी यूज करते हैं उसका क्या परिणाम क्या रिजल्ट हो सकता है। तो पहला नाइट्रोजिनस वेस्ट बिल्डअप इन द बॉडी। अब बच्चों हीमोडायलिसिस में आर्टिफिशियल किडनी यूज करते हो तो उसका फंक्शन तो अपने को पता ही था कि वो आर्टिफिशियल किडनी क्या करती है, हाँ, एक्स्ट्रा नाइट्रोजिनस वेस्ट को हीमोडायलाइजिंग फ्लूड में लेके जाएगी, डायलाइजिंग फ्लूड में। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट बिल्डअप इन द बॉडी, ये रिजल्ट थोड़ी होगा। अगर हम आर्टिफिशियल किडनी यूज करते हैं तो नाइट्रोजिनस वेस्ट तो बॉडी में वैसे ही बन रहे हैं, उसका आर्टिफिशियल किडनी से कोई कनेक्शन नहीं है। नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयन्स, अतिरिक्त पोटेशियम आयनों का निष्कासन नहीं हो पाता। बच्चों आर्टिफिशियल किडनी यूज करोगे तो उसमें एक्स्ट्रा आयन और नाइट्रोजिनस वेस्ट तो एक्सक्रीट होंगे ही, बिल्कुल, तो ये भी गलत हुआ। रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT से, जठरांत्र से कैल्शियम आयन का एब्जॉर्प्शन रिड्यूस होगा। ये बच्चों सुनना, देखो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहा हूं। क्या इसमें ये है कि बच्चों जो किडनी होती है ना, देखना किडनी का एक और रोल है, जो वाइटामिन डी होता है, वाइटामिन डी जिसको आप बोलते हो कैल्सीफेरोल, इस विटामिन डी का जो एक्टिव फॉर्म होता है बच्चों, दैट्स कॉल्ड कैल्सीट्रायोल। ध्यान रखियो, विटामिन डी का जो एक्टिव फॉर्म है, सक्रिय जो रूप है, उसे हम क्या बोलेंगे, कैल्सीट्रायोल। अब ये जो कैल्सीट्रायोल है इसे बनाता है, ये बनता कहां है, देखो कैल्सीट्रायोल का फॉर्मेशन बच्चों होता है इन PCT ऑफ किडनी, सेल्स ऑफ PCT ऑफ किडनी। तो PCT की जो सेल्स है किडनी में, वो विटामिन डी को कन्वर्ट करती है किसमें, कैल्सीट्रायोल। कैल्सीट्रायोल विटामिन डी का क्या है, एक्टिव फॉर्म। और कैल्सीट्रायोल बच्चों क्या करेगा फिर, इंक्रीज कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम GIT। ये GIT से कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन को क्या करवाएगा, इंक्रीज। तो खाना फूड जो अपन लेते हैं GIT इंटेस्टाइन से, फिर वहां से वो क्या एब्जॉर्ब करवाएगा, कैल्शियम। तो कैल्शियम एब्जॉर्ब करवाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल, कैल्सीट्रायोल, जो बना कहाँ, किडनी की PCT की सेल्स में, किससे, विटामिन डी से। तो जब आर्टिफिशियल किडनी अपन यूज करेंगे तो बच्चों ये विटामिन डी एक्टिव नहीं होगा, इसके बिना कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन GIT से नहीं हो पाता है। तो ये बात सही है, रिड्यूज हो गया, रिड्यूज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम GIT, बिल्कुल। रिड्यूस्ड RBC प्रोडक्शन, सही बात है बच्चों, किडनी की JG सेल से आता है एरिथ्रोपोएटिन, जो RBC प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा। तो किडनी जब काम नहीं कर रही तो ये वाली प्रोसेस भी क्या होगी, अफेक्टेड। तो आंसर आ गया फर्स्ट, CND करेक्ट, क्लियर है, चलें आगे। चलो फिर एक मेज द कोलम का सही क्वेश्चन दिख रहा है अपने को, मिला लो इनके फंक्शन और नेफ्रॉन। डिसेंडिंग लिंब ऑफ हैनलेज लूप, डिसेंडिंग है तो बच्चों देख लो, डिसेंडिंग है तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो गया, ठीक है। PCT प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है तो कंडीशनल तो होगा नहीं, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आयन वाटर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट इनका हो गया। एसेंडिंग लूप एसेंडिंग है तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट हो गया। DCT है तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, कंडीशन पर डिपेंड करता है, DCT में हो गया तो मिला लियो आप सीधा ये। अगला क्वेश्चन फिर से एक मेज द कोलम का 2019 में ही पूछा, पोडोसाइट, पोडोसाइट कहाँ, इसमें होते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट, माइन्यूट पोर। प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया बच्चों किस में आ गया, एम्फियोक्सस फ्लेम सेल्स। नेफ्रिडिया एनेलिडा में, अर्थोम। रिनल कैलकुलाई क्रिस्टलाइज्ड ऑक्सलेट, वही कास्ट जिसमें स्टोन अपन ने बोला था, मिला लेना, हो गया मिस द कोलम। अगला क्वेश्चन 2020 इसी साल का क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलिटस, एनजीआईटी का ही। डायबिटीज मेलिटस में यूरिन में किसकी प्रेजेंस होगी, वही ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोन यूरिया, कीटोन बॉडी का आना कीटोन यूरिया और ग्लूकोज शुगर का आना ग्लाइकोसूरिया। सेकेंड बच्चों साल 2020 का अगला क्वेश्चन देख लो क्या पूछ रहा आपसे, Which of the following would help in prevention of diuresis? Diuresis को रोकने में किसका helpful? Which of the following would help in prevention of diuresis? Diuresis का मतलब होता है urine की amount बढ़ना या urine में water की content बढ़ना, diuresis ज़्यादा urine, more micturition। अब इसे रोकने में बच्चों किसका रोल है, reabsorption of sodium and water from the renal tubules due to aldosterone। एल्डोस्टेरोन मेनली तो आयन सोडियम को एब्जॉर्ब करता है, बट बच्चों थोड़ा बहुत वाटर भी एब्जॉर्ब करेगा। तो पानी जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो यूरिन में वाटर की अमाउंट कम हो गई, यूरिन की वॉल्यूम कम हो गया, वही डायूरिसिस होता ना, वॉल्यूम बढ़ना।
आगे और देख लो, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर कोज वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ANF तो वैसो डायलेशन करता है ना कि कॉन्स्ट्रिक्शन, गलत है। डिक्रीज इन सिक्रेशन ऑफ रेनिन बाई जेजी सेल, जेजी सेल से बच्चों रेनिन जब ज्यादा आएगा तो बीपी बढ़ेगा, एल्डोस्टेरोन भी ज्यादा आएगा, रेनिन कम होगा तो एल्डोस्टेरोन भी कम आया, एल्डोस्टेरोन कम आएगा तो एब्जॉर्प्शन भी कम होगा, गलत। मोर वाटरी एब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रेशन ऑफ ADH, ADH का सिक्रेशन कम होगा तो क्या वाटरी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, गलत बात है, ADH ज्यादा आने से वाटरी एब्जॉर्प्शन ज्यादा, तो फर्स्ट हो गया ना बस। डायूरेसिस का मतलब मोर मिक्चुरेशन, ज्यादा यूरिन रिलीज होना डायूरेसिस है, हिंदी में मूत्रलता इसको बोलते हैं बच्चों, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्लियर है तो फिर से 2020 का, इस साल तीन क्वेश्चन आए थे एक्सिडिटरी से। क्यूबोइडल एपिथेलियल विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविला इज फाउंड इन, वैसे आप टिश्यू में भी इसको पढ़ सकते हो, यहां भी अपन कर सकते हैं, एनसीईआरटी में दे रखा ना। पीसीटी में बच्चों कौन सी सेल थी, क्यूबोइडल, क्यूबोइडल के साथ क्या माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई है तो ब्रश बॉर्डर, सेकेंड हो गया। तो क्यूबोइडल सेल्स पीसीटी में डीसीटी में होती है और हेनले लूप की असेंडिंग में भी बता सकते हो, जबकि सिंपल स्क्वामस एपिथिलियम बच्चों सरल शल्काकार उपकला बोमन कैप्सूल डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। चले आगे, एम्स का क्वेश्चन ये भी थोड़ा कर लेते हैं अपन। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज इम्परमिएबल टू वाटर, सीधा सा आ गया, नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, पीसीटी से तो वाटर एब्जॉर्ब होता है, डीसीटी से भी वाटर एब्जॉर्ब होता है, असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिंब वाटर की बजाय क्या एब्जॉर्ब करेगी बच्चों। तो आज अपन ने ये एक्सिडिटरी प्रोडक्ट वाले चैप्टर की, सिस्टम वाले चैप्टर की एनसीईआरटी रीडिंग लगा ली और कुछ प्रीवियस ईयर नीट वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने सोल्व कर दिए। तो उम्मीद है इस लेक्चर को अच्छे से देखा सुना समझा होगा। मिलता हूं मैं बच्चों आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद।